लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी, ये आज इंडी अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं आप सभी, ये इंडी अलायंस वालों का कुछ होना नहीं, मगर मान लो स्वप्न में भी वो जीत जाते हैं, जीतने नहीं है, मोदी जी ही 400 पार कराने वाले हैं, मगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो चलो, आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडी अलायंस वालों को पूछा कि तुम आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल बनेंगे, बोली। अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को इंट्रोड्यूस करने का काम किया, और मधुबनी का बच्चा मैथिली में पढ़कर आईएएस आईपीएस बन सकता है, ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था, बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम है। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती, ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे, ये नरेंद्र मोदी का वादा। मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये नरेंद्र मोदी का गारंटी। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता, मगर ये 5% आरक्षण दिए, इसका मतलब होता है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण 5% कम कर दिए।
प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।